Hello guys, welcome to my channel. It's on tutorial. In this video we are discussing about assignment 7, solution of integrated waste management for a smart city. Here you can see that the first question is, which of the following thermal conversion technique involve a superheating of a gas to an ionized state? So the explanation of question number first is here. Plasma arc superheating to a gas and ionized state plasma arc. So the correct answer is question number first is option number D, plasma arc. यहाँ पे हमने PDF से स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, सो आप लोग एक बार इस PDF स्क्रीनशॉट PDF वाले स्क्रीनशॉट को पढ़ के आंसर को क्रॉस चेक जरूर कर ले, और जिसका स्क्रीनशॉट नहीं है उसको हम गूगल से सर्च करके बनाए हैं तो उसका स्क्रीनशॉट हम प्रोवाइड नहीं किए हुए हैं. सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज यूज टू सेपरेट एसिडोजेनिस एंड मेथेनोजेनिस स्टेप ऑफ इन एरोबिक डाइजेशन. सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज ऑप्शन नंबर बी, टू स्टेज इन एरोबिक डिजास्टर. क्वेश्चन नंबर थ्री, द कंसेप्चुअल कंपोजिशन ऑफ करेक्टराइजिंग द कंबंशन पोटेंशियल फॉर ए वेस्ट इंक्लूड. द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री इज हेयर. कंपोजिशन ऑफ वेस्ट, फ्रीड कार्बन, वोलेटाइल सॉलिड, इनऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, वाटर एंड एस. सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर थ्री इज ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर फोर, कैलकुलेट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर ए कंप्लीट कंबंशन ऑफ 100 ग्राम मीथेन. सो द एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर फोर इज हेयर. सी एच फोर प्लस टू ओ टू इक्वल टू सी ओ टू प्लस टू एच टू ओ. 16 ग्राम मीथेन इक्वल टू 64 ग्राम ऑक्सीजन. सो 1 ग्राम इक्वल टू 64 अपॉन 16 ग्राम ऑक्सीजन. सो 100 ग्राम मीथेन इक्वल टू 16 अपॉन 64 अपॉन 16 इंटू 100 इक्वल टू 400. सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर फोर इज 400 ग्राम. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर फाइव, कैलकुलेट द एसटीओ ज्योमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर द कंपोस्टिंग ऑफ वेस्ट हैविंग द फॉर्मूला C20H18O4N2. सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव इज हेयर. बाय दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 4A प्लस बी माइनस 2C माइनस 3D इक्वल टू 4. बाय पुटिंग वैल्यू इन दिस फार्मूला वी गेट द आंसर इज 336 ग्राम. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हिम एच इंडिकेटर ऑफ मैच्योर्ड कंपोस्ट. ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमस लाइक डार्क ब्राउन कलर्ड कंपोस्ट, रोटेन एग स्मेल, रैपिड टेम्परेचर राइज ऑफ टर्निंग. क्वेश्चन नंबर सेवन, कैलकुलेट द लिंगिंग कंटेंट ऑफ द गिवन वेस्ट कंपोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट. मॉइस्चर कंटेंट इक्वल टू 26%, वोलेटाइल सॉलिड इक्वल टू 78%, बायोलॉजिकल वॉलेटाइल सॉलिड इक्वल टू 59%. सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर सेवन इज ऑप्शन नंबर बी, सी फॉर माई साइड. आई एम नॉट श्योर इन दिस क्वेश्चन, सो टेक केयर. इस क्वेश्चन में थोड़ा हमको डाउट है. क्वेश्चन नंबर सेवन में आप लोग जरूर इसको देख लें अच्छा से. क्वेश्चन नंबर एट, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल कॉम्पोनेंट डेट रिमेन आफ्टर ट्रीटमेंट एंड प्लास्टिक इज टर्म्ड एज. सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर एट इज रेसिडुअल वोलेटाइल सॉलिड ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट दैट रिमेन आफ्टर ट्रीटमेंट प्लस प्लास्टिक. सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर एट इज ऑप्शन नंबर सी, रेसिडुअल वोलेटाइल सॉलिड. क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज जनरली यूज टू चेक द सुटेबिलिटी ऑफ कंपोस्ट टू यूज एज फर्टिलाइजर. सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर नाइन इज ऑप्शन नंबर ए, सीड जर्मिनेशन टेस्ट. क्वेश्चन नंबर टेन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड टू मोस्ट कॉमनली यूज टू इरिगेट कंपोस्ट ड्यूरिंग विंटर कंपोस्टिंग. सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर टेन इज ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट इरिगेशन. क्वेश्चन नंबर इलेवन, व्हिच इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ थर्मोफिलिक एनएरोबिक बैक्टीरिया. सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर इलेवन इज हेयर. फॉर द थर्मोफिलिक 25 टू 60%
60 डिग्री सेल्सियस। सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 सी एंड रेशियो सी ड्यूरिंग द क्यूरिंग पीरियड ऑफ कंपोस्ट शुड बी। सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज हेयर प्रोवाइड अ स्टेबल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर एप्लीकेशन टू ए फार्मलैंड सी इज टू एन लेस देन 25 इज टू 1। सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन नंबर ए। Which of the following is the used to bulking agent in composting? So the correct answer is question number 13 is option number A, sawdust. Question number 14, which of the following composting technique is generally adopted in industry? So the correct answer is question number 14 is option number C, mechanical or in vessel composting. Question number 15, what is the optimum alkalinity requirement during anaerobic digestion of solid waste? So the explanation of question number 15 is here. Needed lots of alkalinity equal to 1000 to 5000 mg per liter as CaCO3. So the correct answer is question number 15 is option number B, 1000 to 5000. We will meet in the next video. Thank you guys.